हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप भी इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन किए हैं और आपको बैंक के तरफ से आपका एटीएम कार्ड मिल चुका है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको हम बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपना एटीएम कार्ड का पिन जनरेट कर पाएंगे, वो भी बिना किसी एटीएम मशीन का। घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से मात्र 2 मिनट के अंदर आप अपना एटीएम कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं इंडसइंड बैंक का। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो में हम आपको कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए एंड इसमें आपको सर्च करना है इंडसइंड बैंक एटीएम पिन जनरेट। जैसे आप ये लिख कर सर्च करते हैं, फर्स्ट वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है, इंस्टेंट पिन जनरेशन फॉर डेबिट कार्ड पर। तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का डिटेल्स देना होगा। फर्स्ट में आपको डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, मंथ और ईयर, उसके बाद CVV नंबर, उसके बाद जो इमेज कोड शो हो रहा है कैप्चा कोड, उसको एंटर करके सबमिट करना है। जैसे ही आप सारी डिटेल्स एंटर करके सबमिट करते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट आपको दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपसे आपका कस्टमर आईडी और डेट ऑफ बर्थ एंड पैन नंबर पूछा जाएगा। तो कस्टमर आईडी आपके बैंक पासबुक या एटीएम किट पर ही मिलेगा। तो सारी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। आपके मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होगा और OTP एंटर करने के बाद जैसे आप OTP एंटर करके सेट पिन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपको अपना पिन सेट करना है। तो चलिए अभी हम OTP एंटर करके नेक्स्ट आपको अपना मनपसंद पिन एंटर करके सबमिट कर देना है। जैसे आप पिन एंटर करके सबमिट करते हैं कुछ समय का आपको वेट करना होगा। यहाँ पर लोडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा और आपका पिन और सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कुछ इसी तरह से आप अपना इंडसइंड बैंक का एटीएम कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देना एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह से बैंकिंग और CSC से रिलेटेड वीडियो हमेशा देखने को मिलते रहता है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।